हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडर्मा क्रीम के बारे में। यह चोट के निशान को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, प्राइस, यूज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशंस के बारे में, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मेडर्मा क्रीम की बात करते हैं तो यह नेचुरल तथा सिंथेटिक दोनों ही प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। यह आपको मेडर्मा, मेडर्मा एडवांस और मेडर्मा एडवांस प्लस के नाम से मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एलेंटोइन, एल्यूम कैप एक्सट्रैक्ट, पेंथेनॉल जिसे हम विटामिन B5 कहते हैं, लेसिथिन तथा सोडियम हाइड्रोनेट। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलकर स्किन के एक्ने तथा स्कार्स को रिमूव करने में मदद करते हैं, स्किन को स्मूथ तथा स्किन को अपेयरनेस करने में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। इस क्रीम के पैकेजिंग की बात करते हैं तो यह आपको 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम की अलग अलग पैकिंग की स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। इसके प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको पैकेजिंग के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस होती है। जैसे जब 5 ग्राम के पैकेजिंग की बात करते हैं तो यह 245 रुपये में मिल जाता है, 10 ग्राम की क्रीम 485 रुपये में, 20 ग्राम की क्रीम आपको 825 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और यह एक OTC प्रोडक्ट है, जो कि आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज़ की। इस क्रीम के यूज़ की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक्ने तथा स्कार्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर कील, मुहासे तथा पिंपल्स के निशान रह जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी या ऑपरेशन होता है तो उसके निशान को रिमूव करने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की स्किन जल गई हो और उसका कलर चेंज हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गई हो या टाके लगे हो तो उसके टाके के निशान को रिमूव करने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। अगर किसी लेडीज़ की सी सेक्शन डिलीवरी यानी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उस समय जो टाके लगाए जाते हैं तो उसके निशान को रिमूव करने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। इस क्रीम का यूज़ एक्ने तथा स्कार्स को रिमूव करने के अलावा स्किन की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। इस क्रीम का यूज़ घाव को ठीक हो जाने के बाद ही यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस क्रीम के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस क्रीम को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस क्रीम के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस क्रीम को लगाने से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एलर्जी होती है, तो आप इस क्रीम का यूज़ बिल्कुल ना करें। इस क्रीम को आँख, नाक, कान में जाने से बचाएं। अगर किसी व्यक्ति को नया घाव हुआ है या कटा हुआ है तो आप उस पर इस क्रीम का यूज़ बिल्कुल ना करें। वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है और कितने दिन तक लगाया जाता है। इस क्रीम को लगाने से पहले आप अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश करें और उसे सुखा लें, और इस क्रीम को अफेक्टेड एरिया पर लगाएं और उसके लगाने के बाद उसे एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज उसे गोल गोल घुमाएं और उसकी अच्छे से मसाज करें, और इसकी मसाज तब तक करें जब तक यह स्किन पर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह क्रीम 6 महीने से पुराने किसी भी प्रकार के घाव या घाव के निशान को रिमूव नहीं करती है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मेडर्मा क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।